देखिए, तो बैग बोलने के बारे में मैं बता रहा था। जैसे हमारे पास क्या है, ये देखिए, यहां से हम बैग बोल्डिंग कर रहे थे, इसकी पी ऑर्बिटल और उसकी पी ऑर्बिटल, ये आपस में इसको क्या करेंगी, लोन पेयर ज्वाइंट करेंगी, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था और इसके पास लोन पेयर थे, ठीक है। तो ये अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है, यहां डोनेट कर सकता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो बैक बॉन्डिंग होगी, ये बैलेंसी सेल इसकी कौन सी है, 2p, और इसकी जो बैलेंसी सेल हैलोजन की, अगर फ्लोरीन हुई तो 2p और क्लोरीन हुई तो 3p और ब्रोमीन हुई तो बैलेंसी सेल क्या है, 4p, और आयोडीन हुई तो बैलेंसी सेल क्या होगी, 5p। तो जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर है, वो किसमें पड़ा है, 2p, 3p, 4p, 5p। अब जो बैक बॉन्डिंग होगी, अगर हम बात करें यहाँ पे CF की, CCl की, CBr की और CI की, तो इसकी जो ऑर्बिटल है, ये जो बैक बॉन्डिंग होगी, ये 2p 2p के बीच में, ये जहां बैक बॉन्डिंग होगी 2p 3p के बीच में, यहां जो बैक बॉन्डिंग होगी वो 2p और 4p के बीच में, और यहां जो है 2p और 5p के बीच में। इसमें जो लोन पेयर होगा, इसमें जो वैकेंट ऑर्बिटल होगी, ये होगी 3p और 2p के बीच में। यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल होगी वो किसमें होगी, बाई बॉन्डिंग होगा वो 2p 4p। यहाँ जो बैक बॉन्डिंग होगी, यानी कि जो पाई बॉन्ड बनेगा, वो किसके बीच में बनेगा, 2p पाई और 5p पाई। यहाँ पे क्या हो गया था, 2p पाई और 4p पाई, और यहाँ पे जो होगी थी 2p पाई और 3p पाई, ठीक है। और इसमें जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो 2p पाई और 2p पाई, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, देखिए, ये आराम से बैक बॉन्डिंग हो सकती है, ये थोड़ी सी मुश्किल होती चली जाएगी, ये थोड़ी मुश्किल, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता चला जाएगा, एनर्जी गैप इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे। तो बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी अगर हम बात करें, बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी वो क्या होगी, बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी वो डायरेक्शन होगी किसके, यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जितनी क्या हो जाए, कम, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम। मतलब 2p 2p में अगर हम बात करें तो 2p 2p में बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, 2p 3p में और कम, 2p 4p में और कम, और 2p 5p में और कम। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पाई बॉन्ड नहीं बन पाता। देखिए से बनता है पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग से। अगर ये 2p 2p हैं तो इनके बीच, ये 2p 2p हैं तो ये आपस में झुक के क्या बना सकती हैं, पाई बॉन्ड। और अगर एक 2p 3p होगी तो इनके झुकने से इनका जो ओवरलैपिंग एरिया है, जैसे ओवरलैपिंग अगर ये 2p 2p हैं तो ओवरलैपिंग एरिया खूब सारा होगा, 3p हो जाए तो थोड़ी बड़ी होगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ी दूर होगी तो इन ओवरलैपिंग एरिया कम होगा, और दूर जाएंगे तो ओवरलैपिंग एरिया और कम आएगा, और दूर जाएंगे तो हो सकता है ओवरलैप ना भी हो पाए, ठीक है। तो जैसे जैसे इनके बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ओवरलैपिंग एरिया कम होता जाएगा, या कह सकते हैं बैक बॉन्डिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंडेंसी तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी है। अब चलिए वापिस आइए, देखिए, तो यहां पर अगर हम बात करें तो जितनी जल्दी ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी उतनी जल्दी इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि इस बैक बॉन्डिंग से 2 इलेक्ट्रॉन और मिलने वाले हैं। तो जो इस जितनी जल्दी बैक बॉन्डिंग दिखाएगा उतनी ऑक्टेट कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो उतना लुईस एसिड क्या रह जाएगा, कम। अब इसकी जो डिमांड होगी किसी बाहर से लोन पेयर के लेने की, बाहर से किसी लोन पेयर को लेने की डिमांड ना के बराबर हो जाएगी। तो जितनी बैक बॉन्डिंग ज्यादा उतना क्या है, लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो अगर हम बात करें यहां, तो अगर हम बात करें जो लुईस एसिडिक है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी किसके, बैक बॉन्डिंग के। बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना लुईस एसिड क्या रह जाएगा, कम। और बैक बॉन्डिंग ज्यादा किस केस में होगी, जिसमें क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, कम। तो वो क्या होगी, इन्वर्सली बैक बॉन्डिंग आपको पता ही है, बैक बॉन्डिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी किसके, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के इन्वर्सली, ठीक है। तो किस केस में बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो गई, तो सी एफ के केस में बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी किससे, सी सी एल से, और इससे सी सी एल में ज्यादा होगी किससे, सी बी आर से, और इससे ज्यादा किस में होगी, सी, सबसे कम हो जाएगी बैक बॉन्डिंग सी आई में। तो जिसमें मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग होगी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो लुईस एसिड क्या रह जाएगा, लुईस एसिड इसमें क्या रह जाएगा, ये कम। अगर लुईस एसिड की बात देखें तो कम, बैक बॉन्डिंग इसमें क्या होगी, ज्यादा।
तो अगर हम फाइनल आंसर देखें लुइस एसिड की स्ट्रेंथ का, तो वो क्या होगा जी, अगर हम बात करें CF2 और CCl2 और CI2 और वो CBr2 और फिर क्या देखें CI2, ठीक है, तो सबसे ज्यादा लुइस एसिड कौन रह गया, ये रीजन क्या है, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग क्या है ज्यादा है, तो लुइस एसिड क्या है कम, इसमें बैक बॉन्डिंग के चांसेस कम है क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बड़ी हो गई, जिससे लुइस एसिड की टेंडेंसी क्या होगी ज्यादा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की। अगर हम देखें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन, ये कार्बीन में भी कौन सी सब्स्टिट्यूटेड, तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बीन की बात करें तो इसमें सेम कहानी है, CF2, CCl2, CBr2, CI2। एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, काफी जगह एग्जामों में पूछी गई भी है और अभी भी पूछी जा सकती है क्योंकि बहुत कम लोग इसको जानते हैं। इसकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सेम वही कहानी है, जितनी जल्दी बैक बॉन्डिंग होगी, तो इसमें बैक बॉन्डिंग, अच्छा मैंने देखिए इंडक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फैक्टर क्या पड़ गया, बैक बॉन्डिंग से कमजोर पड़ गया था, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही थी, विड्रॉ कर रही थी, जबकि लो बैक बॉन्डिंग क्या कर रही, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर जैसे कह रहे थे कि एफ की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही थी, तो विड्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे थे वो इतनी स्ट्रांग स्ट्रेंथ नहीं होती जितने की यहाँ पे, वो स्लाइटली डिस्प्लेस कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन यहां से जलाशय से इधर, और उसमें तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था ज्यादा था, इसलिए बैक बॉन्डिंग जो इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाले फैक्टर से। तो इसलिए मैंने किस जो आंसर दिया फाइनल वो किसकी वजह से दिया, बैक बॉन्डिंग से। अब मैंने वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो था, विड्रॉइंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिव थी उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था, तो यहां पे भी मैं इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से कुछ नहीं देखूंगा, सिर्फ देखूंगा बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है, तो इसमें जो बैक बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी ज्यादा, और बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो उतना ऑक्टेट उतना क्या होगा ऑक्टेट कंप्लीट होता चला जाएगा, तो बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ऑक्टेट कंप्लीट होता चला जाएगा, तो उतनी ही स्टेबिलिटी भी क्या होती चली जाएगी इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा ये, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग क्या होगी मोर बैक बॉन्डिंग क्यों होगी, क्योंकि इसमें 2p वैकेंट ऑर्बिटल है और 2p में लोन पेयर है, यहां 2p में वैकेंट ऑर्बिटल है और ये 3p में लोन पेयर है, तो यहां जो बैक बॉन्डिंग होगी वो 2p से इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें चले जाएंगे 2p में, यहां जो पाई बॉन्ड बनेगा 2p 2p, यहां 2p 3p, यहां थोड़ा बैक बॉन्डिंग मुश्किल होगी, यहां और भी मुश्किल होगी, और यहां बैक बॉन्डिंग और भी मुश्किल हो जाएगी, तो आसानी से इजिली बैक बॉन्डिंग कहां हो जाएगी इस केस में, तो ये क्या होगा मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आ गया, अगर मोर लुइस एसिड देखें तो ये है और मोर स्टेबल देखें तो ये है। क्लियर। देखो लास्ट टॉपिक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन ही कह दो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर किस में जैसे बाल निकल रहे मेथेन मतलब एल्केन, तो एल्केन में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, यानी कि इसके फर्स्ट मेंबर कहां से स्टार्ट होता है, इसके फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन होते हैं, तो आपको सबको पता है कि इसमें एक ही कार्बन में क्या कर जाएगी एल्केन यानी कि एग्जिस्ट कर जाती है। अगर हम बात करें जैसे एल्कीन की, तो एल्कीन में क्या चाहिए हमें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कम से कम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए, तो कम से कम कितने कार्बन चाहिएंगे दो, तो इसमें एक कार्बन हो गया इसमें टू। अगर बात कर लें एल्काइन की, तो एल्काइन में भी कम से कम कितने कार्बन चाहिए, एल्काइन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो कम से कम दो कार्बन तो चाहिए इसके फर्स्ट मेंबर में, तो इसका फर्स्ट मेंबर एल्केन का फर्स्ट मेंबर वन कार्बन से शुरू हो जाएगा, जबकि वो कहां से शुरू होगा एथ से, और ये भी कहां से शुरू होगी एथ से। अगर जैसे हम बात कर लें एल्कोहल की, तो एल्कोहल में क्या होगा ये OH ग्रुप और ये R, तो इस यहां कम से कम कितना कार्बन हो सकता है वन कार्बन, तो इसलिए एल्कोहल कहां से स्टार्ट हो जाएगा वन से। अगर हम बात करें ईथर में, तो ईथर में क्या होता है ये, ठीक है, तो दो एल्काइल ग्रुप ईथर में होने जरूरी है, तो कम से कम कितना कार्बन, कम से कम एक कार्बन यहां होना चाहिए एक कार्बन यहां, तो कितने कार्बन होना चाहिए ईथर में, कम से कम ईथर के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन होंगे टू। नेक्स्ट जैसे बात कर लें ईथर की, इस बात कर लें एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड क्या होता है ये इस साइड एच, ठीक है, तो कम से कम यहां पर क्या कर सकते हैं हम एच कर सकते हैं,
ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, तो इधर कम से कम कितने ऐसे ले सकते हैं, कितने कार्बन ले सकते हैं, जीरो। तो बस कितने में, लास्ट एटलीस्ट वन कार्बन में क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो इसके फर्स्ट मेंबर कहां से शुरू होगा, फर्स्ट कार्बन से। अगर बात कर लें कीटोन की, तो कीटोन में क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, आर। तो आर होने का, तो कम से कम अगर हम कम से कम की बात कर रहे हैं तो एक एक कार्बन तो होना ही चाहिए। तो टोटल वन 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 यानी कि 1 2 3, तो एटलीस्ट कितने कार्बन से स्टार्ट होगा, 3 से। अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये होता है कार्बोजिक एसिड, क्या होगा अगर हम बात करें कार्बोजिक एसिड की, तो COOH। इधर कम से कम क्या ले सकते हैं, H ले सकते हैं, होता ये है ठीक है, मगर वहां कहां तक जा सकते हैं, मिनिमम जीरो कार्बन तक। तो बस कितने कार्बन की बात हो गई, एक कार्बन का एग्जिस्ट कर सकता है। बात करें एस्टर की, तो एस्टर में क्या होता है, देखिए एस्टर में इस साइड R का होना जरूरी है, इस साइड तो H से भी काम चल सकता है। तो कम से कम एक कार्बन यहां और एक कार्बन यहां, तो कितना कार्बन की बात हो गई, दो की। समझ गए किस तरीके से होना है, तो कर लेंगे आप इसे, चलिए।